यह है इंडिया का छोटा सा एक पहाड़ी इलाका, और यहाँ पे एक कोने में है इंग्लिश पब्लिक स्कूल, बहुत ही पुराना। ज़्यादातर बड़े लोग के बच्चे ही इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और हमारे मिस्टर ऑलिवर यहाँ पे ही पढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की है। स्कूल से थोड़ी ही दूर में है एक बाज़ार। ऑलिवर ज़्यादातर बाज़ार में ही जाता है और लौटता है देर रात करके। एक छोटा रास्ता है पाइन के जंगल से, लौटते वक्त वही रास्ता ही इस्तेमाल करता है ओलिवर। इससे ओलिवर का टाइम भी बच जाता है। पाइन के जंगल से हवा का लहर पाइन की पत्तियों से टकराने के बाद एक अजीब सा आवाज़ कानों में जूझती है, जिससे एक अजीब सा डर मन में पैदा होता है, और इस डर की वजह से ही ज़्यादातर लोग मजबूर होता है दूसरे रास्ता को लेने के लिए। उस रात में भी ओलिवर पाइन के जंगल से लौट रहा था, हाथ में टॉर्च लिए, लेकिन टॉर्च की बैटरी ख़त्म होने को थी। टॉर्च की लाइट धीरे धीरे छोटी हो जा रही थी और आगे देखने में थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी, लेकिन ओलिवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे डर नहीं लगता और भूत प्रेत की भावना उसके माथे में ही नहीं आते थे, इसलिए ओलिवर चला जा रहा था अपने ख्यालों में। लेकिन अचानक टॉर्च की लाइट थम गई सामने रहे पत्थर से। ओलिवर ने देखा एक लड़का पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। टॉर्च की बैटरी ख़त्म होने की वजह से देखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसने सोचा कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन रात में तो स्टूडेंट को निकलना मना है। ओलिवर सामने जाके उसे समझाने की कोशिश की। ओए लड़के, तुम इतने रात को क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं इतनी रात को निकलना मना है? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? बात करो मुझसे। ओलिवर को अब गुस्सा आया। ओ लड़के, तुम्हें हुआ क्या है? है? ओए, ओए, बात करो लड़के मुझसे। का पूरा शरीर कांप रहा है किसी मरीज की तरह, और अजीब सा रोने की आवाज। What's wrong with you, है? तभी लड़के ने अपना सर को ऊपर किया। ओलिवर ने जब उस चेहरे की तरफ देखा, हालांकि उसे चेहरा नहीं बोला जा सकता था, उसका आँख नाक कान कुछ नहीं था, थी तो सिर्फ एक डरावनी हंसी। इस चेहरे को देख के ओलिवर से हाथ से टॉर्च नीचे गिर गया और पागल की तरह भागने लगा। दौड़ते दौड़ते ओलिवर ने देखा सामने स्कूल दिखाई दे रहा है, और स्कूल के पास में ही शायद वो वॉचमैन खड़ा हुआ है, इसलिए वो और तेज भागने लगा। अपने बैलेंस को ना संभालते हुए वो वॉचमैन से टकरा गया। अरे क्या हुआ सर, मेरी मदद करो। क्या हुआ क्या, बताइए तो सही। मैंने वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ देखा, मैंने उसके पास गया, तब देखा मैंने उसका चेहरा, उसका आँख मुंह कुछ नहीं था। क्या बात कर रहे हो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात पे विश्वास करो। लेकिन आपने जो देखा उसकी हंसी ऐसी थी ना? बोलो। Oh.